पूजा के दौरान जो है मूर्ति का बिक्री हो रही है और फिर कोरोना को लेकर के भी कुछ गाइडलाइन दिया गया है, तो इस बार सरस्वती पूजा कैसा है? कुछ देखिए, कुछ सही है, कुछ एथी भी है, चल नहीं रहा है सही से कोरोना का चलते, समझे? फीका पड़ रहा है। और देखिए, आदमी और आते जा रहे हैं कस्टमर सब, वही सब चल रहा है। और पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्या है? पिछले साल तो कुछ सही था, अब सही नहीं है उसका। कोरोना के कारण बाज़ार का ऐसी दिक्कत है, जो भी स्टूडेंट सब हैं सब बाहर चले गए अपना अपना घर, जो बाज़ार का रौनक अब नहीं है। मूर्ति का क्या क्या रेट है? वही 1,000 2,000 3,000 जैसा मूर्ति वैसा ही दाम है। कितने साल से बना रहे हैं आप? हम सब तो समझिए कि 100 वर्ष से ऊपर हो गया हम सबको, पूर्वज बनाते थे। आपके में पीढ़ी है? हाँ, आपके में पीढ़ी है? हम तीसरा पीढ़ी हैं। तीसरा पीढ़ी, क्या नाम? सुरेश पंडित। पूजा को लेकर के यहाँ मूर्ति खरीदने के लिए आए हैं, सरस्वती पूजा तो जिस कोचिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन मेरे जानते हुए मतलब ये तीसरा साल है जहाँ पर मतलब मखानिया कुआ में वैष्णवी कोचिंग सेंटर है, शॉर्ट हैंड कोचिंग है, वहाँ पे सरस्वती पूजा हर साल मनाया जाता है, वहीं पे मूर्ति ले जाने के लिए हम लोग आए हैं। कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है, मास्क पहनना है सबको और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जिसको हम लोग ध्यान में रखते हुए सब काम फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोरोना का गाइडलाइन फॉलो किया जा रहा है। मेरा नाम अभिषेक है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं वैष्णवी कोचिंग से हूँ मखनिया। पिछले साल ये मौका नहीं मिला हम लोग को सरस्वती पूजा मनाने का, पर इस बार मिला है, तो हम लोग कोरोना को लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और हर सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया गया है उसका पूर्ण रूप से पालन करते हुए हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाएंगे इस बार सरस्वती पूजा। क्या रेट जो चल रहा है, तो रेट पिछले साल से महंगा है या फिर सस्ता है? रेट तो महंगा ही थोड़ा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उत्साह हम लोग में है सरस्वती माँ की पूजा करने का, सभी विद्यार्थियों में सब लोग बहुत खुशी से उत्साह के साथ इस बार मना रहे हैं। और यही प्रार्थना रहेगा माता से कि कोरोना को जल्द से जल्द दूर किया जाए, सब सुरक्षित रहे। सौरभ कुमार। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।